उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से खाकी को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि इस खबर के मुताबिक यहां के बेहट एसएओ किरण पाल सिंह का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में महिला कारोबारी जो कि एक मुकदमे में वादी भी है, उसके लिए एसएचओ बेहद अश्लील शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल महिला स्टोन क्रशर कारोबारी है और उसने कुछ दिन पहले अपने तीन पार्टनर्स के खिलाफ बेहद थाने में अभद्रता, मारपीट, जबरन छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का कहना है कि पार्टनरशिप का हिसाब किताब करने जब वो अपने इन तीनों पार्टनर्स के पास गई तो तीनों ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और उसके कपड़े फाड़े। महिला किसी तरह जान बचाकर पुलिस के पास गई और वहां पर तीनों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया था लेकिन कार्यवाही नहीं की। महिला ने बताया कि कार्रवाई ना होने से वो परेशान है और उसके तीनों दबंगों की धमकी से डर कर उसने सीएम और यूपी पुलिस को ट्वीट किया और इसके बाद झल्लाए एसएचओ बेहट ने पूजा के एक अपरिचित को कॉल करके पूजा के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की। इसका ऑडियो सामने आया है और वायरल हो गया है। महिला का कहना है कि आरोपी लोग दबंग हैं और पुलिस की राइफल के साथ फोटो खिंचवाते हैं। जी अरे प्रवेश बोल रहे हैं। हाँ जी नमस्कार दुर्गा जी, एसओ साहब नमस्कार जी। सर ये पूजा जो है बार बार ट्वीट ट्वीट कर रही है, फोन कर रही है, क्या भाई वही चाहते हो कि हम भी तुम्हारे फिर छोड़ दें, तुम्हारे ऊपर जाओ, दो दोनों जो करना करो, लिखवा दे रहे हैं उसका मुकदमा तहरी दो दो रखी है। प्रेशर कारोबारी है, आपका कुछ विवाद हुआ था, मुकदमा भी उसमें दर्ज है। एक ऑडियो आया निकल के सामने, आपने ट्वीट किया था, सुरक्षा की मांग की थी, कार्रवाई नहीं हो रही थी, किसकी ऑडियो है, क्या कुछ पूरा का प्रकरण रहा है ये बता दीजिए। वो ऑडियो थाना बेट एसएचओ किरण पाल सिंह की है। उन्होंने मेरे पार्टनर को कॉल किया, जब मैंने ट्वीट किया डीजीपी या सभी को किया, यूपी पुलिस को किया, तो उसका फ़ोन आता है मेरे पार्टनर के पास और धमकी भरा फ़ोन था। वो इतनी गंदा शब्द बोला हुआ है कि मैं उसको नहीं बोल सकती और वो ऑडियो मेरे पास है और वो मेरे मतलब ये हो रहा है कि इतना वो हमारे ऊपर शुरू से ही प्रेशर बना रहे थे कि तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, पर उन्होंने ऑडियो में भी वो चीज़ बोल दी और इतना गंदा वर्ड है कि मैं मीडिया के सामने तो नहीं बोल सकती उसको। अच्छा, जिन लोगों पे आपने आरोप लगाए, रिंकू है, मिंटू है और एक अन्य है, इनके साथ आपका क्या कारोबार के कोई लेन देन का मामला था या क्या था, और जो आपके साथ जो मारपीट अभद्रता हुई है वो किन कारणों से हुई है? उनसे लेन देन था सर, क्योंकि उनकी तरफ 37.5 लाख रुपये निकलते थे और वो गुंडे टाइप लोग हैं, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल सकते हो आप लोग कि वो क्या है, और उसी चीज़ में उन्होंने लगा कि इस लड़की की बेइज्जती कर दो, ये कहीं नहीं जाएगी, अपना घर में बैठ जाएगी और क्रेशर पे भी नहीं आएगी। उन्होंने फिर वो चीज़ मतलब मेरे कपड़े फाड़े, मेरी सारी मतलब गंदे गंदी जगह हाथ लगाया, मुकदमा भी दर्ज हो गया, पर वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और वो धमकियाँ भी देते हैं कि हम गिरफ्तार होंगे भी नहीं, वो जोर लगा ले लड़की चाहे कहीं भी चली जाए। और एसओ बेहट किरण पाल सिंह और मान सिंह उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने से पहले उनको फ़ोन करके बोल देते हैं कि हम आ रहे हैं, दबिश देने तुम निकल जाओ, क्योंकि जो लोकल के लोग हैं वो बताते हैं सारी चीज़ें, वो गिरफ्तार नहीं हुई अभी तक। और किरण पाल और मान सिंह जी मतलब इतना गंदे बोलते हैं कि एक लड़की का केस रह गया क्या हमारे पास। क्या कुछ मांग करती हैं आप, कार्रवाई क्या, किस तरह की कार्रवाई कर? मुझे न्याय दिलवाओ, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और जो एसएचओ बेट है वो दोबारा ये हरकत, ये शब्द किसी लड़की के लिए यूज़ ना करे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर क्या पूरा मामला है जो बेहट में ऑडियो वायरल हुआ? देखिए बेहट में ये एक पूजा नाम की महिला हैं और उनके साथ एक प्रवेश नाम के व्यक्ति हैं जो कि एक स्टोन क्रशर में बतौर पार्टनर है, और इनके अपने पार्टनर को, पार्टनर जो इनके पुराने तीन साथी थे उसी स्टोन क्रशर में जो इनके पहले पूर्व में पार्टनर थे, उनके साथ स्टोन क्रशर पर इनका झगड़ा हुआ था, जिस पर कि अगर जो ये महिला है पूजा, इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था मारपीट और छेड़छाड़ का, उसी मुकदमे को लेकर इन ये जो है वो ये गिरफ्तारी के लिए जो है प्रयास कर रही थी, जिस पर कुछ बातचीत का वीडियो ऑडियो इसमें वायरल हुआ है जिसमें कि प्रवेश और इंस्पेक्टर बेहट के बीच में कुछ बातचीत है, जिस पर कि हम लोग पूजा ने आरोप लगाया है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है जो बातचीत में, जिस पर कि हम लोग इसको मामले को संज्ञान में ले लिया है
और इस पर जांच करके जिसकी भी गलती इसमें निकल के आएगी हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, इसमें देखिए गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि इसमें जो पीड़ित पक्ष थे वो जो है वो जो प्रतिवादी पक्ष है वो हाईकोर्ट चला गया था स्टे के लिए, इसमें इसलिए अभी तक आगे अग्रिम कार्रवाई तभी होगी जबकि कोर्ट से इसमें ऑर्डर आ जाएगा।